बिहार से हैं यादव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। नमस्कार सर जी नमस्कार, जी। बोलिए सर। बोले सर, ये देखिए ना, मेरा घुटना में सूजन है। अब आपकी उम्र कितनी है 50 52 बरस, और ये सूजन कब से है? 4 5 साल से है सर। ठीक है दर्द भी होगा, यानी आप पूरी बात बताइए। जी, 4 5 साल हो गया। एड़ी में सूजन है सर, और कमर में दर्द रहता है, और केहनी में भी हो जाता है, कभी बाएं में तो कभी दाएं में, ठीक और फिर गैस का प्रॉब्लम है सर। ठीक है ठीक है। ये सूजन नहीं है, 4 5 साल से सर। हाँ देखिए, 4 5 साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं, 4 5 महीने में इसका इलाज होना मुमकिन है, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या चीज़ की एहतियात करनी है। यूनानी दवाओं में एहतियात थोड़ी सी ज़रूरी है। देखिए, एक तो आपके ज़रूरत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो ये बार बार ठीक होंगे, मैं नुस्खा बताऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएगा। और ये शौचालय होगा तो फिर वो एक बार ही इलाज करना काफ़ी रहेगा। तो वेस्टर्न टॉयलेट यानी शौचालय होना चाहिए, कुर्सी वाला, और मेहनत का काम 3 4 महीने के लिए बंद कर दें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। देखिए, आप गांव वाले लग रहे हैं, बहुत मेहनती होंगे, लेकिन इलाज के दौरान वज़न नहीं उठाएं, मेहनत नहीं करें, ये ज़रूरी शर्तें हैं। और धनिया पीस लीजिए, धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, धनिया तो सभी जानते हैं, और मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना लीजिए, खूब बारीक मिला लीजिए आपस में। और आपको लेना है गौंद स्याह, इसे काला गौंद भी कहते हैं, काला गौंद या गौंद स्याह। इसका असली मिलना बहुत मुश्किल है, आप असली ले लें। और इसको लेने जाते हैं तो वो दुकानदार क्या बेईमानी करते हैं कि एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं लेना, एक चमकने वाला गौंद दे देते हैं जो चमकता है, वो एलवा होता है। ये जो गौंद स्याह मैं बता रहा हूँ यानी काला गौंद, ये चमकता नहीं है, बड़ी बदसूरत सा काला सा होता है, कड़वा होता है, लेकिन इसमें चमक नहीं होती। ये 100 ग्राम बस ले लीजिए। अब आपको इसका पाउडर बना के अलग रखना है। एक चम्मच जो अलसी और मेथी आपने ली है, वो चम्मच, छोटा चाय का चम्मच में लें, मतलब 3 4 ग्राम। और ये जो काला गौंद आपने पाउडर बनाया है, इसका आधा ग्राम इसमें मिला के रोज़ाना 2 बार खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम गौंद स्याह ख़त्म होते होते आपको तंदुरुस्त कर सकता है। भोपाल से हैं शालिनी, स्वागत है आपका। जी मैम, मैं भोपाल से। हाँ जी बताइए, जल्दी से प्रश्न कर लीजिए। कि मैम बताओ, मेरे मतलब मुझे डिलीवरी हुई है सब, मतलब बच्चा पेट में था उस टाइम, मेरे बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा था, फिर उसके बाद है ना, मतलब अब बेबी हो गए, 2 इंच हुए, उसके बाद भी और ज्यादा होने लगा, उसके लिए क्या करूं? बाल झड़ते हैं बहुत। हाँ, उम्र कितनी है आपकी? 22। अच्छा बच्चा, देखो ऐसे में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उसमें अक्सर 40% लोगों को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है। उसमें अगर टेस्ट कराया जाए तो उसके साथ में दवा लेनी चाहिए। अभी भी थायराइड का टेस्ट करा लें, और थायराइड हो तो थायराइड का इलाज करें, और अगर थायराइड नहीं है तो गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना एक पानी में या नारियल पानी में या दूध में मिला के रोज़ाना 1 बार पिया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। रामचंद्र जी हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। हाँ जी, ऐसा है जी, मेरी उम्र 52 साल है जी, और मुझे कब्ज बहुत रहते हैं, कब्ज नहीं जा रही जी। ठीक ठीक है। है। अच्छा देखिए, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, देखिए फिर बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए घर की चीज़ें, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, धनिया, ये 5 चीज़ें आप 100 100 ग्राम खरीदें, और इनको पाउडर बना लें, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा और धनिया।
इनको पाउडर बना लें और पाउडर बना के रखें, काफ़ी बना लें, मतलब 100-100 ग्राम भी लेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। अब आप नमक जैतून लें। नमक जैतून एक ऐसा नमक है जो जायके में नमकीन नहीं होता, जायके में हल्का सा कड़वापन या खारापन होता है नमक जैतून। अब दो चुटकी, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, दो चुटकी नमक जैतून और ये जो पाउडर आपने बनाया धनिए का और मेथी का, इसमें मिलाकर रोज़ाना आधा घंटा पहले खाने से पहले आप खाया करें। दिन में दो बार आप ये अमल करते हैं तो आपको फायदा होना मुमकिन है। गाजियाबाद से जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर। अकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद सर, स्वागतम। कैसे हैं सर? मैं बहुत बेहतर हूँ, आप बताएं किस तबीयत आपकी? बस मेरी तबीयत तो ठीक है, बस मिसेज की तबीयत अभी ठीक नहीं है। आपके बता से दे रहा हूँ उनको जी। और मैम जरा ये मेरे दो तीन सवाल नोट कीजिए जरा। बिल्कुल बोलिए। हाँ, एक तो ये पूछना है अकीम जी से कि ये जो बताते हैं कि जैतून का नमक और धनिया का पाउडर, क्या हर आदमी को ले लेना चाहिए? इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्योंकि आजकल तो पेट का प्रॉब्लम जो है 50% लोगों को रहता ही है। और दूसरा ये पूछना था कि 25-26 साल का लड़का है, उसके आंखों में गर्मी में खुजली सी होने लगती है और लाल हो जाता है, तो ये मुंडी बूटी जो बताते हैं हकीम जी, क्या उनको दे दें वो मुंडी बूटी? दूसरा तो ये पूछना था जी। ठीक है। और ये हमारे मिसेज जो ये ले रही हैं, गौंसिया जो ले रही हैं, तो इनको पहले भी बताया था कि उनको जगह जगह जो है पित्त जैसे जो है निकल आते हैं, तो खाने का सोडा दे देता हूँ मैं, तो उससे वो आराम हो जाता है और एक दो दिन के बाद में फिर नए दूसरे निकल आते हैं, कभी कमर में, कभी गले में, कभी पेट में। अच्छा, ये कोई और दवा खा रहे हैं क्या आपकी मैसेज? कोई इंग्लिश दवा भी खा रहे हैं? नहीं, इंग्लिश दवा तो बिल्कुल बंद कर रखे हैं सर। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, और क्या सवाल भाई? सवाल तो ये तीन मैंने पूछा है, इसी के बारे में पूछना था कि ये जैतून का नमक जो है धनिया के पाउडर में मिला के, जैसे गैस का प्रॉब्लम है या और लीवर है या जो भी दिक्कत है, तो कोई आम आदमी भी ले सकता है इसे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इसको कोई भी ले सकता है अपनी उम्र के अनुसार। 12 साल से जो है, 12 साल के ज़्यादा के लोग एक एक चम्मच तक ले सकते हैं, दो बार धनिया पाउडर और नमक जैतून। ये पेट के सिस्टम को अच्छा करता है। और पेट के सिस्टम में क्या क्या आता है? गैस, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, और भी पेट की सूजन हो, लीवर की सूजन हो, और क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाता है, उसमें गंदगी ज़्यादा हो जाती है, जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस करानी पड़ती है हर हफ्ते, हफ्ते में दो बार। तो ये इन रोगों के लिए और चर्म रोगों के लिए, चर्म रोगों में जिनको खुजली, दाने वगैरह वगैरह हो जाते हैं, या सोराइसिस, एक ऐसा मर्ज जिसका कहीं इलाज मिलना मुझे तो पता नहीं कहीं है कि नहीं है, लेकिन इससे सोराइसिस भी भगवान अच्छा कर सकता है। अच्छा, आप अपनी मिसेज को दूध से दें ये दवा, और अगर ज़्यादा मकदार में दे रहे हैं, तादाद में, तो थोड़ी कम कर दें। इसकी खुराक आधा ग्राम है, और इससे भी कम देनी पड़े तो दीजिए, और एक चुटकी सोडा रोज़ाना दे ही दिया करिए खाना इनको। और मुझे हैरत है कि कोई इंग्लिश दवा नहीं चल रही तो ये कैसे इनको पित्ती सी उछलती है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको ठीक होना मुमकिन है। और जी, तीसरा सवाल है, 25-26 साल का एक लड़का है इनका, जिनकी आंखें लाल रहती हैं, तो क्या उन्हें मुंडी बूटी दे सकते हैं? हाँ, ज़रूर दे सकते हैं उनको। एक मुंडी बूटी रोज़ाना एक हफ्ते तक खिलाइए और पानी पिला दिया करिए, आपके बच्चे के ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हिमाचल से, अनिल जी स्वागत है आपका। हेलो
हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सुनील बोल रहा हूँ मैं, हिमाचल से। सुनील। सुनील ठीक है, आप बताइए, सवाल करिए। मेरा सवाल है, मेरी मदर है 65 तक एज है उनकी, और उनके कमर के नीचे दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है, और नीचे जो एड़ियां हैं पिलियां उनमें दर्द रहता है। ठीक है, अच्छा देखिए, ऐसे सभी रोगियों के लिए, वो रोगी जो मुद्दतों से, सालों से, दशक से, 10-20 साल से परेशान हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और क्योंकि हर घर में एक ऐसी माता है जैसे आपकी माता है, उनके लिए ये गॉड गिफ्ट है। अगर असली मिल जाए तो गौंसिया, जिसको मैं कहता हूँ, एक काला गोंद जिसे गौंसिया भी कहते हैं, ये असली आप हासिल करें। और अगर मिल जाए तो देखिए, बेईमानी बहुत है, लोग गोंद दे देते हैं, दूसरा एलवा दे देते हैं, ढाक का गोंद दे देते हैं जो चमकता है शीशे की तरह। ये गोंद स्याह जो है चमकता नहीं है, और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। ये एक दिन का खर्च है आपका। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद माता जी को दें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और 5-7 दिन के बाद इससे फ़ायदा शुरू होता है। इस ये आप शुरू करें। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी माता जी का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन एक हिदायत और सुन लीजिए कि देखिए, 65 साल उम्र हो गई माता जी की, और ये कुर्सी वाला शौचालय अगर आपके घर में नहीं हो तो वो लगवा लें, नहीं तो ये बार बार होता ही रहेगा। अगर एक बार लगवा लिया तो एक बार ही इलाज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और पोंछा ओछा ना लगाएं। देखिए, हमारी उम्र के ये जो औरतें होती हैं, ये मर्द होते हैं, ये ज़िद्दी बहुत होते हैं, काम वाली का काम समझ में नहीं आएगा तो खुद ही कर डालते हैं। तो मेहनत का काम बिल्कुल ना कराएं, पोंछा लगाना, झाड़ू देना, किचन में खड़े होकर काम कर सकते हैं। ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो माता जी को फायदा होना आपकी मुमकिन है। राजस्थान से हैं सतेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम, नमस्कार। मैं एक मदर के लिए सिया गोंद मंगाया था। हाँ। तो उसका मैंने पाउडर तो बना लिया है, लेकिन उसका लेने का सही तरीका क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर जो है उनको शुगर है, शुगर कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए कुछ हकीम से कुछ नुस्खे वगैरह कुछ बताओ। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र, कमी उम्र क्या होगा, 55 अराउंड होगी मैम। ठीक है, अच्छा देखिए, ये इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं काबली चने के बराबर। वो बड़ा वाला चना आता है ना, जिसके छोले बनते हैं, भटूरे बनते हैं, देसी नहीं, बड़ा वाला चना। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें किसी भी तरह, वो एक एक गोली सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद खिलाएं। पानी से भी खिला सकते हैं और बगैर चर्बी के दूध से भी खिला सकते हैं। और ये गोंद स्याह है, इसको, इसमें एक भगवान का वरदान है। इसको अगर जिसको भी असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? शुगर के लिए। अच्छा, शुगर के लिए देखिए बहुत इलाज हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी दवा खाते रहें। शुगर से वो नौबत ना आए जो शुगर खुद और शुगर की दवाएं हमें इतना नुकसान देती है कि हम दिन रात कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो शुगर वालों को ये फिक्र करनी चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके, शुगर और शुगर की दवाएं हमारी बॉडी को नुकसान दिए बगैर हम सेहत की ज़िंदगी गुजारें। तो उसके लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, एक आता है कलौंजी का सिरका, जो भी असली मिले, नकली मत लेना। 2-2 चम्मच पानी में मिला के 2 बार दिन में खाने के बाद पिला दे करें, इससे बहुत राहत रहती है। और ये सबसे ज़्यादा काम तो ये करता है कि दवाओं को नुकसान नहीं देने देता, और फिर हार्ट को नुकसान नहीं देने देता, आँखों पर नुकसान होता है वो नहीं होने देता, किडनी को बहुत अच्छी रखता है, क्योंकि किडनी पर ही असर होता है सारी दवाओं का, लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप उन्हें दे सकते हैं हमेशा अपनी दवाओं के साथ। और एक आता है
जामुन का गोंद, जामुन का गोंद लोग जानते भी नहीं है कि जामुन का भी गोंद होता है। आधा आधा ग्राम दो बार ये खाने से आधा घंटा पहले इनको दिया जाए तो भी इनकी शुगर कंट्रोल रहना मुमकिन है।